कई सालों की बात है। मेहंदी हसन साहब हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे तो मेरे घर फोन आया कि दिल्ली आ रहे हैं। मैंने उनसे फोन किया, मैंने बोला चचा चचा कहता था भाई, अब्बा के छोटे भाई जैसे थे। मैंने कहा कि भाई आप दिल्ली आ रहे हैं, थोड़ा सा फुर्सत हो तो मेरे घर भी आइए। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। तो इतने बिजी रहते थे, इतने लोग उनको घेरे रखते थे, तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हो गया कि चलो थोड़ा सा वक्त निकलेगा। शाम को घर आए बैठे, तो बैठते साथ ही कहने लगे, यार मैंने सुना है कि तू बड़े शौक से कभी कभी चीजें अपने सितार पे बजाता है, मेरी चीजें। तो हंसने लगा, मैंने कहा जी आपकी चीजें शौक से कौन नहीं गाता बजाता। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, जरा सितार उठा, मैं जरा दो चार लाइनें गा रहा हूं, मेरे साथ जरा बजा। ऐसे ही बैठे हुए आज तक याद है भाई मेरे लिए, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया ना वीडियो किया, मैं नहीं चाहता था कि भाई कोई बैठे वीडियो कैमरा उनके शक्ल पे है, मगर मेरी यादें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो कोशिश करता हूं कि ऐसी खूबसूरत यादें बनाऊं कि जब बाद में सिर्फ वो ही रह जाएं तो कम से कम उसकी खूबसूरती मुझे याद रहे। मुझे याद है सामने बैठे हुए, जिंदगी में तू कभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तू सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। वो चंद घंटे आज तक भी मेरे मेमोरी में ऐसे एच हो गए, जैसे एक एक अल्फाज, एक एक लम्हा आज तक याद हो।